रीज़न मतलब एक्चुअली एक स्टोरी और एक आइडिया था. अभी मैंने पहला भी जो पिक्चर बनाया था तो पिक्चर हमेशा रियल लाइफ के बेसिस में होना चाहिए, हमेशा एक मैसेज होना चाहिए. तो हमने क्या सोचा कि ठीक है एक स्टोरी बनाएगा, बट स्टोरी पहला जो था इट वाज ऑन अ गर्ल विद रेप, कोई रेप सीन था, तो सबने बोला सीआईडी जैसे हो गया. तो फिर जब हमने टाइप किया राइटर के साथ वो सब, तो हमने सोचा कि ये आइडिया सच में है, क्योंकि इंडिया में जब स्प्लिट पर्सनैलिटी है, अगर किसी का दिमाग ख़राब है तो हम क्या बोलते, अरे वो पागल है क्या, भूत चढ़ा उस पर. एक्चुअली ये भूत का सवाल नहीं होता है, द होल स्टोरी इज़ अबाउट लव. और एक चीज़ है कि आदमी का ईगो, अगर आदमी किसी के साथ ही हैज़ एन अफेयर, औरत माफ़ करते कभी कभी एक दो बार, बट आदमी का दिल ऐसा नहीं, आदमी को वो ईगो इतना बड़ा होता कि अरे सो गया किसी के साथ बाय मिस्टेक, अभी इसका दिमाग ख़राब था तो इसलिए वो दूसरा पर्सनालिटी बन के शी गोज अराउंड. तो ये सब क्वेश्चन आंसर्स, लोग कैसे व्हाट्सएप पे औरत को फंसाते, या बॉसेस जो ओल्डर है लड़की को छेड़ता और लड़की सोचा रही है बॉस है बूढ़ा है, तो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स ये लाइफ स्टोरीज बन के एक लव स्टोरी बन गया इसका. तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से एक प्रभाव छोड़ेगा, यू नो जिस तरह से दिखाया गया फॉरगिवनेस, आप कह रहे हैं कि वो मेरे को है फॉरगिवनेस ने जो पागलपन है, मतलब जो ट्रिगर्स है क्यों वो स्प्लिट पर्सनालिटी बन गए, व्हाई डिड शी बिकम मैड, तो द रीज़न व्हाई शी बिकेम मैड, वो ट्रिगर्स निकाले या तो साइकोलॉजिकली यू कैन क्लियर द पर्सन माइंड. और एक एंड ए भी है कि जो भी है आई एम देयर, साथ में मैं साथ है आप, यू नो आई एम विथ यू, सॉर्ट ऑफ, दैट्स द होल आइडिया. थैंक्स.